हेलो दोस्तों, ये MI का है, रेडमी नोट 7, नोट 7S, नोट 7 प्रो एक ही होता है। तो ये नेटवर्क नहीं आ रहे इसमें, ये नेटवर्क की जगह कटा हुआ निशान आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो देखते हैं ये कैसे होगा, कैसे खुलेगा, कैसे होगा, कौन सी IC खराब है, चेक करते हैं। इसको हल्का हल्का गर्म कर लेंगे। इसको हल्का हल्का गर्म कर लेंगे हम। ये सेपरेटर से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं, और भी हल्का हल्का गर्म करना होता है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये टूटे नहीं और ये चिपका होता है आराम से छूट जाए। से आराम से इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद हमें ये खोल लेना है, यहाँ से भी निकल सकता है ये पत्ता, बाकी यहाँ से खोल लेना है, खोलना ही है। तो ये कहीं से छेड़ा छाड़ा सेट है, तो ये होती है, ये IC होती है, नेटवर्क IC, जिसे बोलते हैं HDR 660। देखते हैं इसमें कौन सी लगी हुई है। इसमें HDR IC लगी हुई है, तो क्लीन सही से नहीं हुई है। ये होती है नेटवर्क IC, ये HDR 660। ये HDR 660 है, ये नेटवर्क IC होती है, इसे चेंज करेंगे तो नेटवर्क आ जाएगा।
इसको हम क्लीन कर लेंगे। हम ठीक से सारी बॉलें क्लीन कर लेंगे ताकि आपस में कोई बॉल शॉर्ट ना रह जाए, नहीं तो आईसी लगाएंगे काम नहीं करेगी दोस्तों। ये क्लीन हो गई है, अब हम इसको केमिकल से हम थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेंगे। एक एक बॉल हमारी क्लीन हो गई है, ये देख सकते हैं आप लोग, एक एक बॉल क्लीन हो गई। अब हम इसकी आईसी लगाने का कहीं से देखते हैं आईसी मिल जाए तो, बट आईसी तो है नहीं, हम दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के लगाएंगे। इसको हम साइड कर देते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं हम आईसी। ये बोर्ड है स्क्रैप खराब पड़ा हुआ है तो इसकी आईसी काम आ जाएगी, इसके निकाल के रिवॉल्व कर लेते हैं। इसे हम रिवॉल्व कर लेंगे, जैसे कि ये इसकी आईसी की जाली तो अपने पास नहीं है बट इसे हम यूनिवर्सल जाली से रिवॉल्व कर लेंगे। यूनिवर्सल से तो खैर कोई भी रिवॉल्व हो जाती है, कोई भी आईसी।
थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे ताकि बॉल हमारी क्लीन बने, एक एक बॉल इससे क्लीन हो जाएगी। ऐसी हमारी क्लीन हो गई, बढ़िया कंप्लीट बन गई है। हम इसको लगाएंगे इस पर आईसी, इसमें लगा लेंगे आराम से हम। बोलो मत यार, इसे थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, आईसी लग चुकी है ठीक से हमारी, हम इसको चेक कर लेंगे। जैसे ये आईसी हमारी लग चुकी है क्लीन करके, फिर हम इसे चेक कर लेंगे। एचडीआर 660 है, HDR 660 ये लग चुकी है, ओके हो गई। हम लगा के इसको चेक करेंगे, अगर किसी भी भाई किसी दोस्त को हमें कुछ भी पूछना हो हमसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। किसी और मोबाइल के बारे में भी पूछना हो तो भी हम जवाब देंगे उसको। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सर अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे और फ़ोनों की जानकारी मिलती रहे आपको। ऑन करके देखते हैं, आप
आपके दुकान का नाम बोलो। नेटवर्क नहीं आए हैं, इसका मतलब HDR ठीक थी, कोई और दिक्कत थी फोन के अंदर। नेटवर्क नहीं आए हैं तो हम दूसरा कुछ चेक करेंगे इसमें। देखिए एक अब ये जो है एक ये आईसी खराब होती है, ये जो आईसी होती है ये है, ये आईसी भी खराब होती है तो भी नेटवर्क नहीं आते हैं, तो इस आईसी को हम चेंज करते हैं तो इसका मतलब नेटवर्क आ जाएगा। ऐसे हमने निकाल दिए, नाउ हम क्लीन कर लेंगे इसको। ये जो IEIC है ये निकाल रखी है, 12 बॉल की होती है तो ये लगाएंगे, ये लगाएंगे तो नेटवर्क आ जाएंगे। इन दोनों चीजों से ही नेटवर्क होते हैं तो लगाते हैं। ये होती है, ये IEIC होती है, यहाँ पे लगाते हैं। देखिए जैसे कि ये हम लगाएंगे आईसी, ये हमारी ये दूसरी आईसी भी लग चुकी है। अब चेक करते हैं, देखते हैं नेटवर्क आया कि नहीं।
अगर दोस्त हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर किसी को भी किसी और फ़ोन के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम उन्हें ज़रूर बताएंगे।